राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में भोजपुर पुलिस ने गत 13 जुलाई को हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए युवती के मंगेतर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को भोजपुर थाना अंतर्गत रामपुरिया गांव की गायत्री पिता भीमा लोधा उम्र 19 वर्ष की लाश मिली थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पीएम में हत्या होने की रिपोर्ट आने पर भोजपुर थाने में गायत्री की हत्या का अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। एसपी प्रदीप शर्मा ने युवती के अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने के लिए थाना प्रभारी भानसी प्रजापति के नेतृत्व में टीम गठित की थी। पुलिस ने जांच कर हत्या के आरोपी मंगेतर ब्रजेश लोधा ग्राम नयापुर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गला दबाकर गायत्री की हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी और गायत्री की अगले वर्ष शादी होने वाली थी। आरोपी ब्रजेश ने गायत्री के चरित्र पर शंका करते हुए हत्या की। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक 13/7/19 को थाना भोजपुर क्षेत्र में रामपुरिया गांव के खेत में लड़की गायत्री लोधा को उम्र 19 साल की डेड बॉडी बरामद की गई थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट प्राप्त की गई तो उसमें लड़की का गला दबाकर हत्या करना पाया गया। इस आधार पर थाने पर हत्या का अपराध अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कायम किया गया था। छानबीन के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशक टीम के द्वारा काफ़ी छानबीन के बाद लड़की की हत्या करने वाला उसका ही मंगेतर ब्रजेश लोधा निवासी नयापुरा का निकला। हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अन्य लड़कों से बातचीत करती थी, जिस कारण से वह उसके ऊपर शंका करने लगा था। उस दिनांक को भी किसी भी लड़के को उसके यहाँ से भागते हुए देखा था। उसके द्वारा पूछताछ की गई तो लड़की ने उसका नाम नहीं बताया था। इस गुस्सा के कारण उसने उसकी वहीं खेत पर हत्या कर दी, अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी को आज गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है।